लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पर ओम बिरला काबिज हो गए हैं। ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके बाद 17 अन्य लोगों ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। 17 लोग उनके नाम के प्रस्तावक बने, जिसमें से 3 लोग कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावक बने थे। ऐसा लग रहा था कि ओम बिरला के नाम के समय वोटिंग की मांग कांग्रेस की ओर से की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने एन वक्त पर वोटिंग से पल्ला झाड़ लिया और वॉइस वोट से ओम बिरला के नाम का चयन हो गया। ओम बिरला के नाम के चयन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को उनके पद पर बैठाया। पद बैठाने के वक्त राहुल गांधी भी उनके साथ, चूंकि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लिहाजा परंपरा के मुताबिक प्रतिपक्ष के नेता और नेता सदन दोनों मिलकर स्पीकर को उनके चेयर पर बैठाते हैं। स्पीकर को चेयर पर बैठाने के बाद बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने ओम बिरला की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद करते हैं इस कार्यकाल में स्पीकर विपक्ष को भी उतना ही तवज्जो देंगे और भरपूर बोलने का मौका देंगे। लेकिन कार्रवाई के खत्म होने से ठीक पहले ओम बिरला ने आपातकाल को एक प्रस्ताव पढ़ दिया, जिस पर सदन के दोनों सदन के लोकसभा के सेशन में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आलोक के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मेरे साथ हैं धनबाद से सांसद डुल्लू महतो। डुल्लू महतो जी, आप रिकॉर्ड मत से जीते हैं, पहली बार लोकसभा की सीढ़ी पर चढ़े, तो आज आप 2 दिन से सेशन में भाग ले रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? देखिए, अनुभव मोदी जी के नेतृत्व में जब अनुभव तो अनुभव ही है। उनके 10 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों ने देखा और उनसे निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिला है और उन्हीं के प्रेरणा के मार्गदर्शक पर चलकर अपने देश के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास करने का काम हम जरूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी का बना फूल बहुमत की सरकार, फिर से हम लोग धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने देखा कि आज स्पीकर के चयन के बाद जिस तरह से स्पीकर ने काला दिवस के रूप में आपातकाल की चर्चा की, उस पर कांग्रेस को भारी हंगामा हुआ, तो आपको लगता है ये हंगामा हो चुकी? हंगामा ये काला दिवस के रूप में मनाना ही चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, देश के हर कानून व्यवस्था को अपने चंगुल में लेकर सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया देश के देशवासियों को, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ सदैव उठना चाहिए। ये तो ढुल्लू महतो जिन्होंने कहा कि काला दिवस मनना ही चाहिए। आलोक के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने आज पहली बार लोकसभा के अंदर भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने जो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं ओम बिरला, उनको मुबारकबाद दी। साथ ही साथ बातों ही बातों में राहुल गांधी ने यह भी बताया कि किस तरह से पिछले 5 साल से ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया और असल मुद्दे उठाने नहीं दिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जनता का मैंडेट है और जनता चाहती है कि लोकतंत्र को बचाया जाए। उसी के साथ साथ विपक्ष में एक बार फिर से नारेबाजी देखने को मिली जब ओम बिरला ने इमरजेंसी को याद किया, उसके बाद लगातार विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी और सांसदों का, जो विपक्षी सांसद है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज का दिन ऐसा नहीं था कि इमरजेंसी को याद किया जाए। ऐसे तो कई चीज इस पिछले 10 साल के कार्यकाल में हो चुकी हैं, लेकिन इमरजेंसी को आज के दिन याद करना कोई सही बात नहीं थी। कैमरा पर्सन मनु के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच संभालने के बाद सीबीआई का पहला एक्शन सामने आया है। सीबीआई अधिकारियों ने सीबीआई की विशेष न्यायालय में अर्जी डाली थी, जिसमें कुछ आरोपियों को रिमांड पर लेने का फैसला किया था। इस अर्जी के मुताबिक रिमांड लेना जरूरी बता के ये कहा गया था कि पूछताछ में कई अहम सबूत पाने की जरूरत है। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद 2 आरोपियों को रिमांड पर देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत दोनों आरोपी चिंटू और मुकेश अब सीबीआई रिमांड पर होंगे और सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ करेगी। जहां तक कार्रवाई की बात करें तो सीबीआई की विशेष टीम पटना और रांची दोनों जगह कैंप कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जहां जहां पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी की है वहां से और क्या सबूत प्राप्त हो सकते हैं। अगर इस टीम के नेतृत्व की बात करें तो आईजी रैंक के एक अधिकारी 4 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में जुटे हैं और इस अधिकारी के नेतृत्व में लगातार उन जगहों को रेकी करके इस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है जहां से ज्यादा सबूत मिल सके। इस मामले में पकड़े गए आरोपी चिंटू संजीव मुखिया का राइट हैंड बताया गया है और इसी ने प्रश्न पत्र को लीक किया था और इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी थी। चिंटू को रिमांड पर लेने के पीछे सीबीआई अधिकारियों का तर्क है कि चिंटू से पूछताछ में कुछ अहम सुराग हाथ लगेंगे और उसी के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब साफ है कि एक तरफ आर्थिक अपराध इकाई ने
जांच समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा कर दी, दूसरी तरफ सीबीआई एक्शन तेज कर चुकी है। मतलब साफ है कि अभी दो आरोपी रिमांड पर लेने की अर्जी डाली गई है, बाद में कुछ और आरोपी भी रिमांड पर लिए जा सकते हैं और इस मामले में सीबीआई एक्शन को और तेज कर सकती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 27 जून से शुरू होने वाला महाराष्ट्र का मानसून सत्र धमाकेदार रहने वाला है। मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तेवर दिखा दिए हैं। सरकार द्वारा आयोजित की गई टी पार्टी का बहिष्कार करते हुए विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण अब तक नहीं दिया गया, साथ ही नीट की परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई और महाराष्ट्र के भीतर करप्शन जैसे प्रमुख मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। किसानों को लेकर जो वादे किए गए थे, जो कर्जमाफ़ी के वादे किए गए थे, उन सभी वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है और ऐसे में विपक्ष सरकार की टी पार्टी में नहीं जाएगा। विपक्ष सीधा अब महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार को घेरेगा, क्योंकि ये आखिरी सत्र है, इसके बाद महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष इस समय लोकसभा चुनाव के बाद उत्साहित नजर आ रहा है। जिस तरीके के नतीजे लोकसभा के आए हैं, महाराष्ट्र के भीतर ठीक उसी तरीके से नतीजे आएंगे और ऐसे में विपक्ष हंगामेदार पारी खेलने वाला है। इस बात को लेकर सरकार को विपक्ष ने संकेत दे दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। केजरीवाल की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। बीती रात सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर के उनसे कथित शराब घोटाले को लेकर के पूछताछ की। दिल्ली का कथित शराब घोटाला हर दिन नई तरह से बढ़ता हुआ आगे आ रहा है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। ईडी में जमानत पर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता था, ऐसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत मिलने के बाद, हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद थी कि राहत मिल जाती। ऐसे में जब सीबीआई की जांच होने लगी तो मामला पूरी तरह से उलट गया है और अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होती नज़र नहीं आ रही और ना ही वो जेल से बाहर आते समझ में आ रहे हैं। कानूनी दांव पेच के बीच में फंसे अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से ना तो सरकार चला पा रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ा पा रहे हैं। जेल से वह निर्देश देते हैं, उनके पार्टी के नेता जेल में उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन वह बात नहीं आ पा रही है जो पार्टी में होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में भी 22 लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी द्वारा लड़े गए थे, जिसमें से बामुश्किल 3 लोकसभा में ही जीत हासिल कर पाए थे। तो बहुत जल्द दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव हैं, जो कि मुख्य अस्तित्व रखते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अब ऐसे में जब उनके शीर्ष नेता, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली सरकार में, 3 शीर्ष नेता जेल में हैं, ऐसे में चुनावी बर्फ है, कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो चुनाव में किस तरह से मार्गदर्शन होगा, क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, इसको लेकर के भी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा असमंजस है। पार्टी को सख्त ज़रूरत है कि उनके मुखिया बाहर आएँ और उनको दिशा निर्देश दें, उनको गाइडलाइन दें और उनका नेतृत्व करें, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी की मुसीबत किसी भी सूरत में कम होती नज़र नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से पार्टी और सरकार को दिशा निर्देश देते हैं और क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हाई कोर्ट में ड्रेस कोड के खिलाफ याचिका दायर करने वाली 9 छात्राओं को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्राओं की तरफ से हिजाब, बुरखा और नकाब पहनने की इजाजत याचिका में मांगी गई थी। पिछले हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर कोर्ट की तरफ से आज फैसला आया है। इसके साथ ही साथ कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि कॉलेज में हिजाब बैन सही फैसला है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कॉलेज और छात्राओं के बीच लड़ाई लगातार चल रही थी।
चेंबूर के आचार्य मराठा कॉलेज में ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध पहले से ही लागू कर दिया गया था, जिसके बाद कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 9 छात्रों की तरफ से दायर याचिका में दावा किया गया था कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील अल्ताफ खान ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की थी हाई कोर्ट में और फैसला सुरक्षित रखा गया था। इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। कॉलेज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, सभी छात्रों के लिए कॉलेज पर समान लागू जो ड्रेस कोड है वो होगा। ऐसे में जिस तरीके से छात्रों के बीच हिजाब बुरखा और नकाब को लेकर लड़ाई चल रही थी, ऐसे में कॉलेज की तरफ से भी याचिका दायर किया गया था। हालांकि कॉलेज की तरफ से सीधे तौर पर यही कहना है कि कॉलेज में बच्चों के लिए एक ही ड्रेस कोड लागू है और उसे हर किसी को फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा जो भी कॉलेज की तरफ से आदेश दिया जाता है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब अगला जो कदम है वो छात्रों की तरफ से क्या कुछ उठाया जाएगा। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। झारखंड सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के प्रति संकल्प दिखाई दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने धन का खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। करोड़ों रुपए इसके प्रचार प्रसार में खर्च किए जा रहे हैं। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने मोरहाबादी मैदान में नशा मुक्त प्रदेश को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया और उस कार्यक्रम में राज्य के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि युवाओं को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो नशे से मुक्त रहें, क्योंकि झारखंड जिस तरह से आदिवासी बहुल प्रदेश है, ऐसे में अगर नशा मुक्त झारखंड नहीं होगा तो राज्य का विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह के विकास कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा या वर्तमान सरकार करती है। आज पूरी तरह से कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं का तो आह्वान किया ही, साथ ही स्कूल कॉलेजों और तमाम ऐसे जगहों पर नशा केंद्र को बंद करने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर युवा इसमें आगे नहीं आएंगे तो इस कार्यक्रम की सफलता जो है वो किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाएगी। विडंबना ये भी है कि जिस राज्य सरकार ने जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नशा उन्मुक्त प्रदेश का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसी सरकार के द्वारा राज्य में तमाम शराब के दुकानों पर शराब बेची जा रही है। राज्य सरकार अपनी तरफ से दुकानें खोलकर शराब बेच रही है और दूसरी तरफ नशा मुक्त प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं ढोंग रचने का प्रयास कर रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रांची से मधुकर आनंद। रिज इलाकों में कोर्ट की बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने डीडीए से पूछा है कि आखिर कोर्ट के सवालों का जवाब डीडीए क्यों नहीं देना चाह रहा है, जिसके बाद डीडीए की ओर से पेश वनिंदर सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट कुछ दिन का और मोहलत दे दे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है। एक हफ्ते में डीडीए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है और फॉरेस्ट के प्रधान सचिव से इस मामले में हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वन विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है, इसलिए दिल्ली सरकार की भी इस मामले में जवाबदेही बनती है। अब देखना होगा जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगला सुनवाई करेगा तो डीडीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट का सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।